हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई एम डॉक्टर स्मिता मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेक्स्ट ऑफ द एसे अ बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल बाय चार्ल्स लैंब। एज अ सिंगल मैन I have spent a good deal of my time in noting down the infirmities of married people. Lamb कहता है, Lamb single है और कहता है कि I have spent a good deal of my time in noting down the infirmities of married people. मैं हमेशा कमजोरियां ढूंढता रहता हूँ married people में, क्योंकि मैं एक bachelor हूँ, तो मैं अपने आप को ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा खुश और मस्त साबित करना चाहता हूँ कि मेरे लोग इतने खुश और हैप्पी मस्त नहीं रहते जितना कि मैं रहता हूँ। तो ये साबित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हमेशा उनकी वीकनेसेस को खोजना पड़ता है और उसमें बहुत सारा टाइम मैं अपना गुजारता हूँ। टू कंसोल माई सेल्फ, ऐसा करके मैं अपने आप को भी कंसोल करता हूँ, अपने आप को भी सांत्वना देता हूँ। For those superior pleasures which they tell me I have lost by remaining as I am. क्यों? क्योंकि वो जो superior pleasures हैं, जो कि married लोग मुझे बताते हैं, जिनसे जो कि मैंने खो दिए क्योंकि मैं एक single bachelor हूँ, single हूँ, सिंगल होने के कारण ये सारे प्लेजर्स मैंने खो दिए, इसलिए अपने आप को कंसोल करने के लिए मैं इनकी उनकी इनफॉर्मिटीज को गिनता रहता हूँ, उनकी वीकनेसेस को काउंट करता रहता हूँ। आई कैन नॉट से दैट द क्वेरल्स ऑफ मैन एंड देयर वाइव्स, मैं ये नहीं कहता कि जो क्वेरल्स हैं मैन के और उनकी वाइव्स के, एवर मेड एनी ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी, उनसे मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या, और हैड मच टेंडेंसी टू स्ट्रेंथन मी, इनसे मुझे कोई स्ट्रेंथ भी नहीं मिलती है कि ये लोग झगड़ते रहते हैं, इनसे तो अच्छा मैं हूँ। इन दोज एंटी सोशल रिजोल्यूशंस विच आई टुक अप लॉन्ग अगो अपॉन मोर सब्सटेंशियल कंसिडरेशंस, व्हाट ऑफनेस्ट ऑफेंड्स मी एट द हाउसेस ऑफ मैरिड पर्संस वेयर आई विजिट is an error of a quite a different description. ये सब चीज़ें ना तो मुझे स्ट्रेंथ देती हैं कि भी उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, ना इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा क्या ऑफेंड करता है मुझे, ऑफेंड करना, एंग्री करना, क्या गुस्सा दिलाता है मुझे मैरिड लोगों के घर पे जब मैं विजिट करता हूँ, वो इन सब चीज़ों से डिफरेंट है। इट इज़ दैट दे आर टू लविंग, क्या है वो कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव प्यार करते हैं और शो ऑफ करते हैं अपने प्यार का। नॉट टू लविंग नाइदर, दैट डज नॉट एक्सप्लेन माई मीनिंग, बिसाइड्स वाई शुड दैट ऑफेंड मी, द वेरी एक्ट ऑफ सेपरेटिंग themselves फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू हैव द फुलर enjoyment ऑफ ईच अदर्स सोसाइटी implies that they prefer one another to all the world. एक तो ये चीज़ offend करती है कि वो एक दूसरे को ही preference देते हैं, सारी दुनिया एक तरफ है और वो दोनों एक तरफ है, वो दोनों एक दूसरे को prefer करते हैं, चाहे पूरे संसार को छोड़ देते हैं, ये चीज़ मुझे offend करती है। But what I complain of is that they carry this preference so undisguisedly. They perk it up in the faces of us single people so shamelessly. वो लोग एक दूसरे को प्रिफर भी करते हैं और इस प्रेफरेंस को इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं हम लोगों के चेहरे पे, जैसे कि वो दिखाते हैं हमें, वे हम लोग शेमलेस, बिल्कुल शेमलेसली हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं। यू कैन नॉट बी इन देयर कंपनी अ मोमेंट, कि आप उनकी कंपनी में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकते विदाउट बीइंग मेड टू फील बाय सम इनडायरेक्ट हिंट और ओपन अवोवल। ओपन अवोवल मींस
frank declaration that you are not the object of this preference, वो आपको अवॉइड करते हैं और इस चीज को अपन अवल फ्रेंकली डिक्लेयर करते हैं, आपके मुंह के ऊपर ही वो आपको बिल्कुल बेइज्जत कर देते हैं इनडायरेक्टली. नाउ देयर आर सम थिंग्स विच गिव नो ऑफेंस वाइल इम्प्लाइड और टेकन फॉर ग्रांटेड मेयरली बट एक्सप्रेस्ड देयर इज मच ऑफेंस इन देम. इफ ए मैन were to accost the first homely featured or plain dressed young woman of his acquaintance and tell her bluntly that she was not handsome or rich enough for him and he could not marry her, he would deserve to be kicked for his ill manners. Yet no less is implied in the fact that having access and opportunity of putting the question to her, he has never yet thought fit to do it. The young woman understands this as clearly as if it were put into words, but no reasonable young woman would think of making this the ground of a quarrel. Just as little right have a married couple to tell me by speeches and looks that are scarce less plain than just as little right have married people to tell me by speeches and looks that are scarce less plain than speeches that I am not the happy man, the lady's choice. Married people इतना ज़्यादा show off करते हैं, offend करते हैं अपने single जो friends हैं उनको, bachelor जो friends हैं उनको, कैसे इतना ज़्यादा humiliate करते हैं उनको. जैसे कि एक यंग वुमन को एक एग्जांपल देता है लैम्ब यहाँ पे, कि अगर कोई यंग वुमन है उसकी परिचित और उसे कोई व्यक्ति कह दे कि शी वॉज नॉट हैंडसम और रिच इनफ फॉर हिम एंड ही कुड नॉट मैरी हर, कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो इतने रिच नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है, ही वुड डिजर्व टू बी किक्ड फॉर हिज इल मैनर्स. तो वो क्या डिजर्व करेगा कि उसे किक किया जाए उसके इल मैनर्स के लिए, इस उसके इल बिहेवियर के लिए. येट नो लेस इज इम्प्लाइड इन द फैक्ट, यहाँ पे इतना ऑफेंड कर देते हैं मैरिड लोग सिंगल पर्सन्स को, बैचलर्स को, कि उन्हें भी उनके इल मैनर्स के लिए मन करता है कि उनको किक कर दिया जाए. दैट हैविंग एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन टू हर, ही हैज़ नेवर येट थॉट फिट टू डू इट. A young woman understands this as clearly as if it were put into words, but no reasonable young woman would think of making this the ground of a quarrel. Just as little right have a married couple to tell me by speeches and looks that are scarce less plain than speeches that I am not the happy man. तो ये इन लोगों को भी कोई हक नहीं है, जैसे यंग वुमन को मुझे कोई हक नहीं है ऐसे कहने का, वैसे इनको भी बहुत, मतलब ये कोई हक नहीं है मैरिड लोगों को कि वो अपनी बातों से हमें, लुक से ये बताएं, जताएं कि मैं एक हैप्पी मैन नहीं हूँ. इट इज़ इनफ दैट आई नो आई एम नॉट, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ. आई डोंट वॉन्ट दिस परपिचुअल रिमाइंडिंग, मुझे उनका ये बार बार याद दिलाना अच्छा नहीं लगता. परपिचुअल मतलब कंटिन्यूस रिमाइंडिंग, वो कंटिन्यूस रिमाइंड कराते रहते हैं कि तुम क्या हो, तुम सिंगल हो और तुम हम लोगों से ज़्यादा, तुमने प्लेजर्स नहीं लिए हैं लाइफ के अंदर, तो हम लोगों जितने हैप्पी नहीं हो. ये चीज लैम्प को मैरिड लोग याद दिलाते रहते हैं और यही ऑफेंड करती है लैम्प को. द
display of superior knowledge or riches may be made sufficiently mortifying. But these admit of a palliative. The knowledge which is brought out to insult me may accidentally improve me, and the rich man's houses and pictures, his parks and gardens, I have a temporary unsubstruct at least, but the display of married happiness has none of these palliatives. It is throughout pure, unrecompensed, unqualified insult. The display of superior knowledge or riches may made sufficiently mortifying. Mortifying matlab cause someone to feel very embarrassed. To superior knowledge ka display, riches ka apni dhan daulat ka display jo hai, may be made sufficiently mortifying. क्या करता है, किसी को भी एम्बेरेस करता है. बट दीज एडमिट ऑफ अ पैलेटिव. पैलेटिव पैलेटिव मतलब एंश्योर मिटिगेशन. द नॉलेज which is brought out to insult me may accidentally improve me. The knowledge which is brought out to insult me may accidentally improve me. And in the rich man's houses and pictures, his parks and gardens, I have temporary unsuffered. Unsuffered मतलब right of enjoyment. I have a temporary unsuffered at least, but the display of married happiness has none of these palliatives. देखो जो rich लोग हैं उनके घर पे तो उनके gardens में उनके parks में मैं घूम सकता हूँ, enjoy कर सकता हूँ, मुझे right of enjoyment है वहाँ पे. लेकिन married happiness का जो डिस्प्ले करते हैं लोग, उनके वो ऐसी छूट हमें नहीं देते कि उनके जैसा हम इंजॉय कर सकें. इट इज थ्रू आउट प्योर अनरिकम्पेंस्ड अनक्वालिफाइड इंसल्ट. ये इंसल्ट ह्यूमिलिएशन बहुत ही ज़्यादा होती है. मैरिड हैप्पीनेस का डिस्प्ले जो करते हैं ये रिच लोग भी डिस्प्ले करते हैं, उनके डिस्प्ले से भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है मुझे. लैम्प कहता है मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनविडियस सॉर्ट. It is the cunning of most possessors of any exclusive privilege to keep their advantage as much out of sight as possible, that their less favored neighbors, seeing little of the benefit, may the less be disposed to question the right. But these married monopolists thrust the most obnoxious part of their patent into our faces. I will explain it in the next video. Thanks a lot.